चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको एक ऐसा विधायक दिखाते हैं, ऐसे विधायक से मिलवाते हैं जिनकी चौकस निगाह होने अवैध बजरी कारोबार और पुलिस की सांठगांठ को उजागर करने की कोशिश की। दरअसल कांग्रेस के सवाई माधोपुर से विधायक दानिश अब्रार दिल्ली से अपने क्षेत्र की तरफ जा रहे थे। बीती रात उन्होंने दिल्ली से सवाई माधोपुर की तरफ जाते हुए रास्ते में बजरी वाहनों और पुलिस की सांठगांठ को अपनी आंखों से देखा और मोबाइल से इसका वीडियो भी बना लिया। उनके वहां पहुंचते ही ट्रैक्टर चालक को वहां से फरार होते भी देखा गया। पुलिस वाले अपने वाहनों को खेतों की तरफ ले जाते दिखाई दिए। कई पुलिस वाले तो वाहन छोड़कर खेतों की तरफ जाते हुए दिखाई दिए, दौड़ते हुए दिखाई दिए। ये तस्वीरें एक बार फिर साबित करती हैं कि बिना पुलिस की सांठगांठ के भ्रष्टाचार नहीं पनप सकता है। दो तस्वीरें आपके सामने, इन तस्वीरों के जरिए समझिए कि वहां पर आखिर हुआ क्या होगा। जैसे ही दानिश अब्रार वहां पर पहुंचे, वो वीडियो बनाने लगे तो वहां पर पुलिस वाले भागते हुए दौड़ते हुए दिखाई दिए। आवाजें भी आप सुन सकते हैं सायरन की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पुलिस और बजरी माफिया में किस तरीके से सांठगांठ यहाँ पर चल रही थी, उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं। दिल्ली सवाई माधोपुर के बीच की तस्वीरें आपके सामने। कांग्रेस विधायक दानिश अब्रार ने ये तस्वीरें अपने मोबाइल फोन में कैद कर ली, ये वीडियो बनाया और फिर वो वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं। विधायक की जैसे ही गाड़ी वहां पर पहुंची, वैसे ही पुलिस वाले मौके से रफू चक्कर होने लगे, खेतों की तरफ भागते हुए दिखाई दिए। दानिश अब्रार ने बात करने की कोशिश की लेकिन पुलिस वाले वहां से भागते हुए दौड़ते हुए खेतों की तरफ निकल गए। दो तस्वीरें अब इस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर लंबे वक्त से ये सांठगांठ चल रही होगी, किस तरीके से वहां पर बजरी माफिया बेखौफ हैं क्योंकि प्रशासन का संरक्षण उनको मिला हुआ है। पुलिस के आला अफसर खुद इसमें शामिल हैं। और इसी पर अधिक जानकारियों के साथ बातचीत के लिए दानिश अब्रार जी हमारे साथ खुद जुड़ चुके हैं, उनसे ये जानकारी लेते हैं, समझते हैं। दानिश जी, क्या कुछ हुआ कल, जरा बताइए आप। ये कल नहीं हुआ है, ये आज सुबह तकरीबन 5 बजे की घटना है। मेरे किसी कुछ निजी कार्यक्रम था जिसके लिए मैं माधोपुर आ रहा था, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि दौसा जिले में, दौसा और सवाई माधोपुर का जो बॉर्डर है वो मोरेल नदी है, तो जब मैं लालसोट से माधोपुर की तरफ आ रहा था जी, तो तकरीबन 400 से 500 मैंने कच्चे टोले अपने आंखों से देखी, बट मैंने इसको कुछ ज्यादा बॉर्डर नहीं किया क्योंकि दौसा जिले का मामला था जी। लेकिन जैसे मोरेल नदी पार करके मैं सवाई माधोपुर जिले में घुसा, तो हमारी पुलिस प्रशासन ने सवाई माधोपुर में घुसते खाना करके गांव है, वहां से एक संयुक्त चौकी बना रखी थी। तो जैसे उस संयुक्त चौकी पे मैं पहुंचा तो वहां पे मैंने देखा कि तकरीबन बहुत ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियां चौकी उस पे नाके पे खड़ी थी और वहाँ पुलिस की गाड़ी भी खड़ी थी। और जैसे ही मेरी गाड़ी वहाँ पे पहुंची और मैंने गाड़ी वहाँ पे रोकी, उसके बाद के मंजर की वीडियोज आपके सामने है। और ट्रैक्टर ट्रॉलियां उल्टी भरने लगी और जब पुलिस वालों की तरफ बात करने चाहिए तो मुझे पुलिस वाले भी नहीं दिखे, लेकिन गाड़ी जरूर वहां रहेगी, गाड़ी वहां खड़ी थी। दानिश जी, ठीक है, आप वहाँ पर पहुंचे, उसके बाद पुलिस वाले वहाँ से भागने लगे, लेकिन हमने खुद जब एसपी से बात करने की कोशिश की, वो कह रहे हैं कि उनके संज्ञान में अब जाके मामला आया है, वो आगे कार्रवाई करेंगे। अब उनका कहना ये है, ये सुबह समय की घटना थी, उसके तुरंत 10 मिनट बाद ये एसपी साहब के संज्ञान में ला दी थी। एंड इट इज टू बी मेंशन, हमारे जिले के जो प्रशासन है, एसपी साहब है, कलेक्टर साहब है, एसडीएम साहब है, दे आर रियली वेरी हार्ड वर्किंग and they're really dead honest people. तो ये मेरा ऐसा मानना है कि जो नीचे के अधिकारी हैं, जो मौके पे हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी सांठगांठ है, लेकिन मुझे एसपी साहब ने आश्वासन दिया है और वो बहुत एक स्ट्रिक्ट ऑफिसर भी हैं और मुझे आश्वासन दिया है कि तुरंत कार्रवाई आज की तारीख में करेंगे, जो मुझे पूरी उम्मीद है वो जल्द से जल्द कर देंगे। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि लगातार सरकार इसके खिलाफ है, लगातार कहा जाता है कि माफियाओं पर शिकंजा कसा जा रहा है, प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देशित किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर कैसे ये इतने बेखौफ हो जाते हैं और कैसे पुलिस वाले इनका साथ देते हैं, ये भी तो सवालों के घेरे में है लगातार, जबकि इसके खिलाफ अभियान भी कई चलाए जा रहे हैं। आपसे कहना चाहूंगा, मैं एक सिर्फ सवाई माधोपुर से विधायक हूँ और बतौर विधायक
मेरी विधानसभा क्षेत्र में हमारे जिले में कोई अगर बात संज्ञान में आई है तो वो सरकार के नॉलेज में भी लाया हूँ, आपके माध्यम से भी नॉलेज में आई है। और इस विषय के अंदर या तो खनन मंत्री जी बेहतर जवाब दे पाएंगे या जो संबंधित अधिकारी वो बेहतर जवाब दे पाएंगे। ठीक है दानिश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए।